और चलिए बात जरा मध्य प्रदेश की करते हैं। तो दतिया से भी टिकट जारी होने के बाद कांग्रेस में असंतोष नजर आया। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को टिकट देने की मांग की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नाराजगी जताई है। जिला कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रत्याशी जो कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सामूहिक इस्तीफा देने की भी चेतावनी तक कार्यकर्ताओं ने दे डाली है। तो असंतोष नजर साफ तौर पर आ रहा है नजर। और दतिया सीट की अगर बात करें तो लगातार ये माना जा रहा था कि राजेंद्र भारती का इस बार सामना फिर नरोत्तम मिश्रा के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार दतिया से कांग्रेस ने दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो खुद पहले बीजेपी में थे और अब वो कांग्रेस में आए हैं और उनको टिकट दे दिया गया। लेकिन इससे बाद अब नाराजगी नजर आ रही है। तो वहीं अब पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के समर्थक और कांग्रेस से तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की है, साथ ही एक साथ इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, राजेंद्र भारती के समर्थकों ने कांग्रेस कार्यालय पर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने के बाद ये असंतोष देखने को मिल रहा है। कितना नुकसान इनसे कांग्रेस को हो सकता है? क्या कांग्रेस इस पूरे मामले को सुलझा पाएगी? दिनेश जी, ऐसा है कि ये पहले दोनों जगह से चल रहा था। बीजेपी छोड़ के जब अध्यक्ष जी आए थे कांग्रेस में, तभी ये तय माना जा रहा था कि लगभग कांग्रेस से अध्यक्ष नायक का टिकट होगा। लेकिन भारती जी, जो राजेंद्र भारती हैं, वो पहले दो तीन बार यहाँ से कांग्रेस से प्रत्याशी रह चुके हैं और उन्हें पूरी आशा थी कि उनको ही टिकट दिया जाएगा, क्योंकि उनका नुकसान इस दौरान बहुत हुआ है गवर्नमेंट में। तो ये माना जा रहा था कि उनके समर्थक भी फिर पूरे प्रयास में लगे हुए थे और कुछ दिन पहले ही कमलनाथ जी से मिलकर उन्होंने ये शिकायत की थी राजेंद्र भारती के समर्थकों ने कि राजेंद्र भारती को टिकट नहीं दिया गया तो कांग्रेस को यहाँ नुकसान होगा। और यहाँ से जो सीट निकालने का दावा किया गया था वो भारती जी की ओर से किया गया था। बताया जा रहा था कि भारती जी के द्वारा ऐसे कुछ आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में अवधेश नायक जी रहे हैं। और बिल्कुल साफ तौर पर राजेश, और इस तरह की स्थितियां तो अब फिलहाल अभी आगे और बनती नजर आएंगी, क्योंकि अभी पूरे टिकट भी घोषित नहीं हुए हैं और ये जिस कोई भी प्रत्याशी हो उसे उम्मीद रहती है कि उसे टिकट दिया जाएगा, लेकिन अगर उम्मीदवार को टिकट नहीं मिल पाता है तो इस तरह की खबरें भी हम आमतौर पर अब चुनावी माहौल में देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और